हेलो फ्रेंड्स, दिस इज छवि। वेलकम टू माई चैनल। सो आज मैं आपको बताऊंगी आप अपने फेस की इम्परफेक्शंस को कैसे करेक्ट कर सकते हैं। सबके फेस पर कोई ना कोई कमी होती है। स्पॉट्स होते हैं, डार्क स्पॉट होते हैं, पिंपल्स होते हैं, रेडनेस होती है, ब्लैकिशनेस होती है, डार्क सर्कल्स होते हैं, टू मैनी थिंग्स। तो उन चीज़ों को हम कवर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एवरीबडी नीड्स टू बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट तभी होता है जब हम खूबसूरत लगते हैं। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आई हूँ। आपको अपनी इन ब्लेमिशेस को कवर करने के लिए कलर करेक्टर्स चाहिए। तो इन कलर करेक्टर्स को आप किस तरह से इस्तेमाल करें वो मैं आज आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो सबसे पहले मैं बताऊँ आपको करेक्शन के लिए ये पैलेट चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी करेक्टर पैलेट यूज कर सकते हैं, या अलग अलग करेक्टर्स भी आते हैं जिनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इन्हें यूज करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना मॉइस्चराइजर यूज करना है। मैं अपनी DIY क्रीम यूज कर रही हूँ। अगर आपको नहीं पता है ये कैसे बनती है तो आई गिव अ लिंक इन टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। नहीं करना है तो आप अपना कोई भी मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी फिंगर टिप्स पे से लीजिए और अपने फेस पर इसे लगा लीजिए। मेकअप करने से सबसे पहले आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। मैं हमेशा बोलती हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जो भी अपने फेस पर इसके बाद लगाएंगे ना, वो बहुत रनिंग बन जाएगा, बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये पैलेट ले लेना है। मैंने ये खरीदा है, मी नाओ का ये पैलेट है जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप लेना चाहते हैं तो वहां से ले सकते हैं। तो दिस इज अ 15 कलर करेक्टर्स पैलेट। इसमें आपको एक हाईलाइटर मिल जाता है, देन दिस इज अ ग्रीन कलर, वेरी ब्यूटिफुल ग्रीन कलर, दिस इज पिंक वन, दिस इज द येलो वन, These three are contouring colors. ये concealer है, तो ये best है। आपको इसमें highlighter, contouring and also concealer सब कुछ इसी में एक ही palette में मिल जाता है, तो ये बहुत affordable है। इसका link भी मैं आपको दे दूंगी, आप खरीद सकते हैं वहां से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप color ring देखेंगे उसका भी मैं आपको picture जो है वो available करवा दूंगी। उसमें अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से ही मैं ये कलर्स जो है यूज करूंगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने डार्क सर्कल कवर करने के लिए आपको ऑरेंज करेक्टर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे जो डार्क सर्कल्स हैं वो ब्लैकिश या फिर बगंडी से थोड़े से होते हैं, ब्लूइश काइंड ऑफ, मेरे इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको इस तरह से यहाँ पर ऑरेंज करेक्टर है तो ये मैं ले लूंगी। इसे थोड़ा थोड़ा अपने डार्क सर्कल पर लगा लें। बहुत थिन लेयर अप्लाई करना है, थिक नहीं करना है, क्योंकि हम अपने ब्लेमिशेस को कंसील नहीं कर रहे हैं, इसे करेक्ट कर रहे हैं। टैप करें इस तरह से, इस तरह से हमारी जो ब्लैकनेस है या ब्लूइशनेस है वो सारी दूर हो जाएगी। तो ऑरेंज करेक्टर जो होता है वो ब्लैक डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए होता है। दोनों साइड पर मैं लगा लूंगी। अगेन आई एम सेइंग कि बहुत थिन लेयर लगाएं, कंसील नहीं करना है, सिर्फ कवर करना है। जितना हो सके इसे ब्लेंड कर दीजिए। इसके बाद आप अपने जो स्पॉट्स हैं, जैसे रेडनेस है, मेरे यहाँ पे एक पिंपल है, यहाँ पे एक पिंपल है, तो इसे हम कैसे कवर करेंगे, इसे हम इस ग्रीन करेक्टर से कवर करेंगे, लाइक दिस। डैब इट। सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है। और भी जहां पर आपको पिंपल स्पॉट्स है उस जगह पर आप ग्रीन कलर का करेक्टर जो है वो लगा दें। रेडनेस है, पिंपल्स है, आल्सो हैव सम हेयर, वन हेयर, तो ये हो गया।
हो सके तो इसे 2 या 3 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि ये फिक्स हो जाए आपके फेस पर। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको येलो कलर का करेक्टर लेना है और अपने फेस के हाइलाइटिंग पार्ट्स पर उसे लगाना है। जस्ट टैप इट। येलो करेक्टर आपके फेस को एक शाइन देता है। अगर आपके फेस पर डलनेस है कहीं पर भी, वहां पर आपको येलो कलर का करेक्टर जो है वो इस्तेमाल करना है। ये बड़ा रंग बिरंगा सा मेकअप मुझे लगता है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अपना फाउंडेशन ले लेना है कोई भी। मैं ज्यादातर यही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये मेरी फेवरेट है। ये हुडा ब्यूटी की है, आइवरी शेड है 01 में। अब आपको क्या करना है, फिंगर टिप से ही इसको लगा लें। अब इसको हाथों से ब्लेंड ना कर, यही टिप मैं आपको दूंगी क्योंकि हाथों से ब्लेंड करेंगे ये ऑरेंज ग्रीन येलो कलर ये सब मिक्स होकर एक नया कलर क्रिएट कर देंगे, तो ऐसा मत कीजिए, ना ही अपना ब्रश इस्तेमाल कीजिएगा। आपको इसके लिए अपने स्पॉन्ज का इस्तेमाल करना है। और इसको थोड़ा सा वेट कर लें, उसके बाद इसे सिर्फ टैप करें ताकि आपके जो करेक्टर है वो वही के वही रहे और आपकी स्किन जो है वो ग्लोई बने। अगर आप इसे मिक्स कर देंगे, येलो ग्रीन ऑरेंज सारा मिक्स हो जाएगा एंड वो एक पेंट शेड बन जाएगा पेंटिंग के लिए, तो फेस पे वो कुछ नहीं करने वाला। टैप करें। यहाँ पर थोड़ी बहुत जरूरत है, इसे थोड़ा सा राउंड मोशन में कर लें पर रब नहीं करें। अगर रब करेंगे तो मिक्स हो जाएगा, मैं वो भी आपको करके दिखा दूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। जहां पर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत रह गया है, जैसे यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा रह गया है, तो मैं फिर से ग्रीन करेक्टर यूज करूंगी। मैं इसे फिंगर से टैप करूंगी ताकि ये मेरी स्किन में फिक्स हो जाए। हर एक चीज की बहुत ही थिन लेयर अप्लाई करनी होती है। अगर आप बहुत ज्यादा मेकअप कर लेंगे, बहुत ज्यादा थिक लेयर लगा देंगे तो वो बहुत जल्दी पैची हो जाता है। समर में पैची मेकअप नहीं टिकेगा, बहुत आपको प्रॉब्लम होगा, स्वेट होगा, उतर जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है जी, ये तो हो गया। इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत कमी है तो उसके लिए आप अपना कंसीलर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। अब यहां मैंने करेक्टर इस्तेमाल नहीं किया था, इस जगह पर मैं अपना ब्रश इस्तेमाल कर सकती हूँ। जहां पर आपने करेक्टर इस्तेमाल किया है वहां पर ब्रश इस्तेमाल ना करें। कॉर्नर्स में अच्छे से करें ताकि कॉर्नर्स जो है वो ब्लैक नहीं दिखे। तो ये हो गया जी हमारा बेस मेकअप। इसके ऊपर आप हाइलाइटर इस्तेमाल करें, ब्लशेस इस्तेमाल करें, लिप कलर इस्तेमाल करें, कुछ भी इस्तेमाल करें, तो इस तरह से आप अपने फेस को इवन टोन दे सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।